हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। नाउ अ गुड न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स आर अपेयरिंग फॉर आरएमएस 9th। आपके लिए मैं एक सीरीज़ लेकर आई हूँ जिसमें आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में आने की बिल्कुल फुल ऑन चांसेस हैं, रिपीट भी हुए हैं वो क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ इस सीरीज़ के थ्रू, सो दैट आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकें उसको और अपने मार्क्स, एटलीस्ट 5 मार्क्स आप इन रिपीटेड क्वेश्चन से सेव कर लें। ओके नेक्स्ट, ओके स्टूडेंट्स, इफ यू आर ट्राइंग टू ज्वाइन एनी हॉस्टल, आई एम हेयर टू प्रेजेंट हॉस्टल इन फ्रंट ऑफ यू। वी हैव आर हॉस्टल, ओके, वी हैव ओनली 25 सीट्स अवेलेबल फॉर आरएमएस सैनिक एंड आरआईएमसी। सो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड एंड इफ यू रियली वॉन्ट टू वर्क हार्ड एंड इंश्योर योर सीट इन एनी वन ऑफ द प्रेस्टिजियस स्कूल्स, यू हैव टू कॉल अस। द नंबर विच यू कैन गेट द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इज 27121। ठीक है, हॉस्टल फैसिलिटी आपको मिलेगी बहुत प्रॉपर, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए अलाउड है। फीस मंथली चार्ज होगी, बहुत नॉमिनल फीस होगी। आगे की आप जो भी जानकारी लेंगे प्लीज़ इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और अपनी सीट्स को सिक्योर कीजिए। नाउ दिस इज़ द व्यू ऑफ माई कैंपस, ओके, दिस इज़ द मेन एंट्रेंस, सो दिस इज़ द व्यू। यू विल गेट एवरीथिंग, यू विल गेट प्ले ग्राउंड, यू विल गेट स्टडी टाइम, यू विल गेट बुक्स, एवरीथिंग यू विल गेट। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू एंश्योर योर सेल्फ इन द एडमिशन प्रोसेस। ओके, मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़ लर्न दी स्पेलिंग्स वेरी केयरफुली बिकॉज रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो द फर्स्ट वन इज एकोमोडेट, द राइट स्पेलिंग ऑफ एकोमोडेट इज दिस। यू गेट कन्फ्यूज, इवन आई गेट कन्फ्यूज वेन आई अटेम्प्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू स्पेलिंग एरर्स। ओके, सो बी वेरी केयरफुल वाइल अटेंडिंग दीज क्वेश्चन। सो एकोमोडेट, द राइट स्पेलिंग ऑफ एकोमोडेट इज ACCOMODATE। ओके, नेक्स्ट वी हैव the next question we here is accompany, what is the right spelling of accompany, ACCOMPANY, this is the right spelling of accompany, ACCOMPANY, this is the right spelling of accompany, right? Third we have acquaintance, what is the right spelling of acquaintance, ACQUAINTANCE, this is the right spelling of acquaintance, ACQUAINTANCE। okay, बहुत ही ध्यान से आपको स्पेलिंग्स करनी है, मैं फिर से बोल रही हूँ, कन्फ्यूज़ हो जाओगे अगर अच्छे से नहीं पढ़ के जाओगे। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको बाय हार्ट स्पेलिंग लर्न रहे हैं लेकिन जैसे ही आप ऑप्शंस को देखते हो यू पीपल गेट कन्फ्यूज्ड। ओके, सो दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू दी स्पेलिंग्स वेरी केयरफुली, इनमें से फॉर श्योर रिपीट होंगी आपकी स्पेलिंग्स। ओके, सो आई एम टेलिंग यू जस्ट डू देम बाय हार्ट, फटाफट से जस्ट रिकॉल द राइट वे ऑफ डूइंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर द करेक्ट स्पेलिंग इन योर माइंड एंड देन क्विकली लुक एट द ऑप्शन, नो नीड टू लुक ऑल दी ऑप्शन बिकॉज अगर सारे ऑप्शन देखोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे। जहाँ से आपको अपनी फर्स्ट स्पेलिंग राइट मिलती है जस्ट गो फॉर दैट। ओके, फोर्थ वन, चूज द करेक्ट स्पेलिंग एक्सेसरी, एक्सेसरी द राइट स्पेलिंग इज ACCESSORY, this is the right spelling of accessory, clear? Next, fifth one, academically, the right spelling of academically is, what is the right spelling of academically? ACADEMICALLY, ACADEMICALLY, this is the right spelling of academically. Sixth, we have receive, the right spelling of receive is RECEIVE. This is the right spelling of receive, clear? Then choose the correct spelling embarrass, very important word, बहुत सारे exams में आया है, RMS 6-9 में आ रहा है, सैनिक 6-9 में आया है, even RIMC में भी ये question पूछा गया है, so please remember the spelling very carefully, the right spelling is embarrass, EMBARRASS, this is the right spelling of embarrass. Next we have the word relieve. These spellings are, you people can see, इतनी confusion है इन spellings में कि आपको आते हुए भी you people make mistake, okay? So be very thorough. Relieve, what is the right spelling of relieve? The right spelling is RELIEVE, RELIEVE, clear? Moving on to the ninth one, obsession, right spelling of obsession is OBESSION. OBESSION, this is the right spelling of obsession, clear? Moving on to 10th, ignominious, what is the right spelling of ignominious?
IGNOMINIUS IGNOMINI. Since it is a difficult word and not very common, what is the meaning of this word? The meaning of this word is something that makes you feel embarrassed. Something that okay. Something that embarrasses us is called as ignominious. Okay. Next, any other difficult word? Obsession means you have a passion or possession for something. Relieve, you all know to release, to relax. Embarrass means not feeling good, feeling shy, hesitated. Then you have receive, you know the word meaning. Academically, you know what is the meaning. Accessory, acquaintance, accompany. The words are common. Again, I am telling you, bahut common words hain. स्पेलिंग आपको लगेगा कि बहुत ईजी है. फर्स्ट टाइम जब आप इनको देखोगे यू पीपल गेट कन्फ्यूज. मैं फिर से बोल रही हूँ, इसीलिए मैंने आपको सारे एग्जाम्स की स्पेलिंग्स नहीं लाई हैं, वही स्पेलिंग्स मैंने यहाँ पर गैदर की हैं, वही प्रेजेंट की हैं आपके सामने, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स मैंने आपके सामने प्रेजेंट करी हैं, क्योंकि इन स्पेलिंग बहुत ही कन्फ्यूजिंग स्पेलिंग्स हैं, एग्जाम में आने के चांसेस हैं. इसी आई डोंट वॉन्ट you people to lose any of your mark in English. Okay, so please be thorough with these and do them properly and learn them. If you have any problem, just give me the answer in the comment box or comment below the video and I will look forward to that. Okay, till then students, again I am telling you, if you are interested for hostel, join Geometry Hostel. We have 25 seats, boys or girls dono ke liye available hai. Fresh batches start honge January 1st se. Theek hai, 1st January से हमारे बैचेस स्टार्ट होंगे. जैसा कि मैंने बताया, ये मेरा कैंपस व्यू है. यहाँ पर बैक साइड में आपको एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड मिलेगा. दिस इज़ माय हॉस्टल एरिया वेयर यू पीपल विल गेटिंग योर डोमेट्री. दिस इज़ माय मेन एरिया. ओके, बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ आपको मैं अपनी हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड करूँगी. उसके लिए आपको ज्योमेट्री स्कूल हॉस्टल को ज्वाइन करना होगा. नंबर स्क्रीन पर आपके साथ शेयर कर दिया गया है, वो आपको कॉल करके रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से गैदर करनी है. ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट. इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब नहीं करेंगे सो सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिलेंगी. सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन हिट करना है. अगर बेल आइकन भी नहीं प्रेस करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि किस टाइम कौन से वीडियो रिलीज हो रही है या फिर कौन सा स्टडी मटेरियल अपलोड हो रहा है. ठीक है, ओके, टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग. नाउ वेट फॉर द नेक्स्ट, आई विल ब्रिंग सम मोर क्वेश्चंस विद यू विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट. ओके, द नंबर्स आर देयर ऑन द स्क्रीन, यू कैन कॉल ऑन एनी वन ऑफ द नंबर एंड टेक द इन्फॉर्मेशन. बाय बाय एंड टेक केयर, कीप लर्निंग.